इसका बहुत इच्छा थी कि उस पर आयोजन किया जाए। हमारे दो तीन और वरिष्ठतम सहेती बंधु आने वाले थे, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकलने पर जो बिगड़ गए निकले हैं उनको मैं अभिवादन करता हूँ। और सबसे वरिष्ठतम साहित्यकार मैं उनका प्रार्थना करूंगा शांति अग्रवाल जी से 100 वर्ष हिंदी और उर्दू के साहित्य में मैं समझता हूँ इनसे बुजुर्ग इस देश में कोई नहीं है। नीरज जी 94 के आसपास थे और लगभग यही उम्र थी उर्दू में दिल्ली के बहुत बड़े कवि थे। जब तक उसका साहित्य लोगों के बीच में रहता है तब तक उस साहित्यकार की उम्र होती है। प्रेमचंद जी 36 में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी अगर नाम लिया जाएगा हिंदी कहानी का उपन्यास का तो उनके बगैर सब कुछ अधूरा अधूरा सा होता है। राजनेता रिटायर हो सकते हैं, लेकिन वो नेता कभी रिटायर नहीं हो सकते जो कुछ करते हैं। गांधी जी को कौन रिटायर कर सकता है, जब तक मुल्क रहेगा वो रहेंगे। इसी तरह हमारे साहित्यिक बंधु हमारे बीच जब तक है उनकी लेखनी है तब तक वो जिंदा है। मेरा आज भी मानना है इन दिनों कुछ गलत चयन चला है, हमारी लेखनी गंदगी पर लिखे लेकिन लेखनी से गंदगी नहीं निकलनी चाहिए। आप विचारधारा से जुड़ सकते हैं लेकिन लेखक को सदा विचार से जुड़ना चाहिए। लेखन का अवसर मेरी वामपंथी विचारधारा हो सकती है, दक्षिण पंथी हो सकती है, मेरा लेखन सिर्फ विचार से जुड़ जाए तो ही लेखन सार्थक हो जाता है। रामगढ़ जी हमारे बीच उपस्थित है और हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि ये सम्मान सम्मानित हो रहा है आपको देखकर। कौन किसको सम्मान दे सकता है, और मैं अपने सभी साहित्यिक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। एक एक साहित्यकार की व्याख्या करने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से वक्त कम पड़ जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि पहले दीप प्रज्वलन का निराशा और ये अच्छा ऐसा कर सर।
पहले आमंत्रण दे रहा हूं भाई महेश दर्पण जी कि वो हमारे बीच यहां उपस्थित हो। वो हिसाब से प्रार्थना करूंगा कि आर्य का जो वो है वो आचार्य का भी प्रभुत्व है अच्छा लग रहा है ये तो पता लगे ना उन्हें कोई मिल रहा बहुत मेहनत की है आप विवेक जी हमारे सम्मानित साहित्यकार अगर दो शब्द कहना चाहें तो मैं आमंत्रण दूंगा वो जरूर अपनी बात को रखने की कृपा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। विवेक जी दो शब्द गोयल साहब हमारे शर्मा साहब और आप सब हजरात मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदीबों को जो सम्मानित करते हैं वो अदब से वास्ता रखते हैं आदाब से वास्ता रखते हैं और मैं दिल से एक आप सबका ममनून हूँ आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण अति साधारण लेखक को इस काबिल समझा कि आप सब ने बड़े एहतराम के साथ मेरा स्वागत किया सम्मानित किया दिल से आपका आभार। हमारे प्रिय आदरणीय शर्मा जी और सभा में उपस्थित इधर और उधर दोनों ओर के सम्मानित जनों प्रेमचंद जयंती के अवसर पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अनेक रचनाकारों को एक साथ सम्मानित किया जाए। लेकिन क्या प्रेमचंद के नाम पर सम्मान देना या लेना ही प्रेमचंद की परंपरा या उनकी स्मृति को बनाए रखना है? मुझे लगता है कि आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ प्रेमचंद के लेखन पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जहाँ प्रेमचंद के लेखन के बारे में
ऐसी भाषा में बात की जा रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में सबसे पहले तो हम लोगों को ये जवाब देना होगा कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता, जैसा शर्मा जी ने प्रारंभ में कहा, वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने समय में भी अपने समय का प्रेमचंद बनने की कोशिश करनी होगी। आप लोगों ने इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान दास मोरवाल जी, जिनका एक उपन्यास काला पहाड़ काफी लोकप्रिय है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी हुआ है, बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्हें कि हम लोग सिर्फ एक कवि के रूप में हम पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में जो व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता वो भी होनी चाहिए, वो सुरेंद्र शर्मा जी में हमने कई उत्सवों पर देखी। दूसरे आयोजनों में भाई महेश दर्पण जी ने बहुत अच्छी बात कही प्रेमचंद जी को लेकर, और जिस तरह से उनकी प्रासंगिकता को लेकर जो जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, एक लेखक के रूप में मेरा ये अपना ये मानना है कि हमें जो प्रेमचंद की जो विरासत थी, जिसके के लिए वो अपने अंतिम दिनों तक, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो धार्मिक पाखंड हो, वो सिर्फ रचनाओं में नहीं, जो उन्होंने अपने जीवन में भी आत्मसात किया, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी उस विरासत को जो उन्होंने उस वक्त शुरू की थी, उसको हम बचाकर और संजोकर रख सकें। मेरा ये मानना है कि एक लेखक के रूप में मैं आप सब जो हमारे यहाँ लेखक मित्र हैं, मैं उनकी तरफ से यह आपको भरोसा दिलाता हूं कि उस विरासत को हम और आगे उसी रूप में उसको जीवित रखेंगे, उसकी दीप को प्रज्वलित करते रहेंगे। कौन क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, मेरा मानना है जब भी स्मारक बनेंगे तो लिखने पढ़ने वालों के बनेंगे, आलोचकों के स्मारक कभी नहीं बनने वाले। और सीधी सी बात है, वो क्या लिख रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, जो लोग आलोचना करते हैं वो वही लोग हैं कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। हवाई जहाज में बैठकर साइकिल के ऊपर कविता लिखना या कहानी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमचंद जी जो सदा इस देश की माटी से लथपथ रहे, उस देश का आज भी 100% भारतीय जो है उस लेखन से जुड़ा है, उन समस्याओं से जुड़ा है, उन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो हमें उनके लिखने पर मैंने काफी कुछ टिप्पणियां की थी, कई लोगों ने मेरा विरोध भी किया था कि तुम लिखना क्या जानो, तुमने कभी उपन्यास लिखे क्या। मैंने कहा मैं मानता हूं मैंने उपन्यास नहीं लिखे, मैं अंडा नहीं दे सकता लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से कहना चाहता, इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या लिख रहे। अब मैं आमंत्रण करूंगा रंजना अग्रवाल जी को। नमस्कार आदरणीय गुरु साहब, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी,
मैं इस लायक हूँ या नहीं तो मैं नहीं जानती। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा चयन किया गया इस सम्मान के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुमार कृष्ण जी को आमंत्रण हुआ। मैं आभारी हूँ माननीय गोयल साहब, भाई चरण शर्मा जी, प्रेमचंद के साथ किसी भी तरह जुड़कर उनसे उनकी स्मृति दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर यहाँ सम्मानित होना गौरव और सम्मान ज्ञान हो जाता है। उनका नाम इतना बड़ा है। प्रेमचंद का एक उनका लेख है, उनके माध्यम एक मिनट बात करता हूँ। महाजनी सभ्य हंस का संपादकीय वो रहा है, उसकी आज हम जिस समय में मौजूद हैं, एक नई तरह की महाजनी सभ्यता का दौर है। उन्होंने अपने समय में पूंजी के वर्चस्व के बारे में बात की थी उस आलेख में। पूंजी का जो चरित्र होता है, शोषणकारी चरित्र, उसके बारे में, चरित्र के बारे में पूंजी बहुत मूल्यवान है, आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग, उसके सहारे श्रम का शोषण करना, ये चिंता प्रेमचंद के पूरे लेखन की बुनियाद में रहा है। क्योंकि लोग को स्थापित करने वाले जो उपन्यासों की कथा साहित्य की परंपरा किस्सा हकीमता या दूसरे उस तरह के जो परंपरा थे, बहुत सारे किस्से उनका कोई यथार्थ से रिश्ता नहीं होता था, कल्पनाओं से पैदा होते थे, उनसे निकाल कर पहली बार प्रेमचंद ने आम जनजीवन में जो दबे कुचले लोग थे, श्रमिक थे, किसान थे, उनको महत्व दिया। तो आज भी हम उस दौर से गुजर रहे हैं और तमाम तरह के प्रभावों के तहत अपना जीवन तमाम लोग अपनी तरह से संघर्ष में लगे हैं। मैं उनके गोदान के बारे में और इस महाजनी सभ्यता के बारे में दो लाइन में अपनी बात कहकर खत्म करता हूँ। एक बोरी एक धनिया, एक गोबर एक गौ, एक होरी एक धनिया एक गोबर एक गौ, कर्ज का एक ही रुपया और उसका ब्याज 100। वाह 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 वाह, इन शब्दों के साथ धन्यवाद। इसने इसके लिए अपने आपको यहाँ मैं जिस रूप में आया और तो मुझे बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी तो हमारे परिवार के सदस्य, वही साहब से भी मुलाकात हुई एक बार बार दो बार की दो बार की, तो इसके लिए मुझे बहुत आप सबका
आभार व्यक्त करता हूँ। दो पंक्तियों में सब कुछ कह दिया। आज की तारीख में सब मानते हैं बाजार जरूरी है। मैं कहता हूँ बाजार जरूरी है पर बाजारोपन नहीं होना चाहिए। आज हर बाजार में जो बाजारोपन है उसकी तकलीफ हम लोग निरंतर देख रहे हैं। अब मैं गोयल साहब से प्रार्थना करूंगा, अभी तक हमारे साहित्यिक बंधु ऊपर आते रहे, अब आपको नीचे जाऊंगा। सबसे पहले आदरणीय संतोष आनंद जी का हम जो चाहेंगे कि भरपूर तालियों से स्वागत करें। जिनका एक प्यार का है नगमा है मौजों की रवानी, जिन्हें तीन फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया। अरे दिल मिले होने चाहिए। अरे अरे मैंने एक नंबर दिया था वो पहुँचवा देना। मेरी यार आती है यहाँ पर बकरी ये क्या बाप रे। सर 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 एक बार सुनो थोड़ा यहाँ पे सुनो ये फूल उधर रखो। सर एक बार आप भी हाथ लगा दीजिए थोड़ा सा ऊपर कर थोड़ा सा। सर वो भी दे दो। शर्मा जी आप भी थोड़ा सा प्लीज। यस सर सामने थैंक यू। हाँ इन्हें बता दे रहा हूँ मैं कौन हूँ मैं कितना जाता था इनके पास बहुत सीखा इनसे। दीदी है मेरी सारा कार्य यहाँ माननीय सुरेंद्र जी ने संभाला। किसको लाना है किसको नहीं सर एक नंबर चल दूंगा ये इसी लायक है। ये आप कभी कह सकते हैं मैं नहीं कह सकता। एक मुखड़ा उसके हिंदू का बेटा हूँ भाई। अच्छा आज मैं गा के भी पढ़ पाऊंगा जैसे भी कलर से नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है ठीक है। ऐसा है 13 मार्च को पहले तो गोयल साहब और सुरेंद्र शर्मा का नाम ले लूं। मैं आज इस लायक नहीं था कि मैं आ पाऊं। सुरेंद्र शर्मा ने मेरे को फोन किया और बहुत कहा कि तुमको आना है तो मैं आया हूं साहब आप लोगों के बीच में। ये मेरा सौभाग्य है और आज मेरी बड़ी दीदी मिल गई मुझे। इनसे मैंने बहुत सीखा। मैं देवनगर ये जब रहती थी तो मैं पैदल जाता था। उस टाइम में एक एक दिन में 22 किलोमीटर इस टूटी काम से छड़ी लेके घूमता था दिल्ली में। इतने पैसे नहीं होते थे देवनगर। तो आज मैं आया हूँ
गोयल साहब ने बुलाया, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन जो ये कथाकार होते हैं, लेखक होते हैं, ये बहुत बड़े बहरूपीय होते हैं। मैं खुद हूं, मैं किसकी बात करूं? कारण क्या है? जो आप लिखते हैं वो आपको भीतर अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। मुंशी मोरदार मुंशी तो थे ही नहीं, लेकिन मुंशी लग गया उसके साथ, क्योंकि लेखक को तब मुंशी बोलते थे। धर्मपत राय की जगह आनंद राय, वो भी नहीं रहे, फिर प्रेमचंद हो गए। और वाकई में वो हिंदी साहित्य के प्रेमचंद बन गए। मैं आज उनको मैं उनको क्या दे सकता हूँ श्रद्धांजलि, लेकिन मुझे बुलाया गया है प्यार से। आज मैं 5 महीने बाद घर से बाहर निकला हूँ, इतने प्रोग्राम थे सारे कैंसिल हो गए, और घर पे पड़े पड़े फ्रीज का पानी पी रहे, क्या कर रहे हैं कि उठने गला जो है कहा गया, गाजियाबाद गया या गुड़गावा पता नहीं है, अब मेरे में बोलना नहीं जा रहा। मैंने सुरेश से कहा भी था यार बोलना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं बोलना फिर भी, क्योंकि उसकी भी आदत है, आदत हमारी भी है, लेकिन आज हम तरजुद से नहीं बोल पाएंगे। आपको आप साहब एक ही दुकान चलेगी, या तो आपकी या हमारी, ये दुकान को उधर ले जा। सुने जरा थोड़ा माहौल बनाया, एक बार जोरदार ताली बजा। मैं बोल रहा हूँ साहब, आप सुन रहे हैं ना, कल ईद है, और मैंने जो तहजीब दी है, संस्कृति दी है, आपस के मिलन की दी है, उसके ऊपर एक गीत सुरेश ने बोला वो बोल दो। मैंने कहा वो ही बोल दूंगा कि हिंदू का बेटा हूं, हिंदू का बेटा हूं, भाई मुसलमानों का, हिंदू का बेटा हूं भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूं मैं तो इंसानों का, हिंदू का बेटा, कि मेरी सच्चाई पर दुनिया भर हंसती है, मेरी सच्चाई पर दुनिया भर हंसती है, और मेरे अपने पद पर आवाज़ें कसती है, और बड़बड़ के चुगबा है माथा तूफानों का, फिर भी दीवाना हूँ मैं तो इंसानों का, हिंदू का बेटा हूँ भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूँ मैं तो इंसानों का। लाइन सुल्ला साहब पूरे सदन से दाद लूंगा कि गिरते का जिक्र नहीं उठते की कीमत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। गिरते का जिक्र नहीं उठते की कीमत है, सोने की ताकत है, चांदी की इज्जत है, लेकिन अब दादूबाब से कि मैंने तो साथ दिया टूटे पैमानों का, इतना दीवाना हिंदू का बेटा हूँ भाई मुसलमानों का। ये कोरोना काल पर चल रहा है, चलते ही रहेंगे, ये तो काल अकाल आते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन हमको जिंदगी जीनी है। पीड़ा का पर्वत है, आंसू का झरना है, पीड़ा का पर्वत है, यार जरा डाल दो कब हमको से पीड़ा का पर्वत है, आंसू का झरना, और जगह है अज्ञानों का, दिल है वीरानों का, इस पर दीवाना हूं मैं तो इंसान भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूं मैं तो इंसान हूं। गोयल साहब जो कलाकार होता है ना, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ कुछ भी जुड़ जाए,
अगर थोड़ी बहुत उसमें बदमाशी और बदतमीजी नहीं हो तो वो पूर्ण कलाकार नहीं होता है। मैं आखिर ही बोल रहा हूं, जवानी में लिखा था ना कि हूं तो मैं जवान अपनी दिल से तो अपनी वैसे नाचे आपको ये आखिर ही बल दे रहा हूं सबको। भाई मैं पीछे देख नहीं सकता लेकिन जाकर कि मेरा कुछ दोष नहीं, मौसम की मर्जी है। क्या बात है, वाह वाह। मेरा कुछ दोष नहीं, मौसम की मर्जी है, और तन तो बदनाम मगर मन की खुदगर्जी। मेरा कुछ दोष नहीं, मौसम की मर्जी है, तन तो बदनाम मगर मौसम, तन तो बदनाम मगर मन की खुदगर्जी है, और मेरा इतिहास वही, मेरा इतिहास वही जो है परवानों का, मैं तो दीवाना हूँ केवल। लेकिन दीवाना हूँ मैं तो आदरणीय सुंदर शर्मा जी, जिनके लिए बहुत काव्य पाठ सुनकर के आनंदित आशा रखता हूँ। संतोष आनंद जी को पहली बार मैंने बहुत पहले लगभग आज से 45 वर्ष पूर्व लाल किले पर सुना होगा। क्या बुलंद आवाज थी, लेकिन आवाज तो आज भी बुलंद नहीं, अभी भी है, कोई भी है। शरीर साथ नहीं दे रहा लेकिन मन की मस्जिद है, मन तो मन। आपने फिल्मों में बहुत गीत दिए हैं और मंचों पर अनुशासन के मामले में आप बहुत सख्त भी रहते थे, ये भी मैंने देखा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला मंच पर जाकर शॉल पहना सकूं या माला पहना सकूं। आज आपकी कुर्सी पर आकर माला पहनाने का मौका मिला, भाग्यशाली मान। विधानसभा का ये प्रांगण एमएलए राजनीति के इन्हीं की चल पर यहाँ रहती है। हमारे विशेष सभी जाए हुए थे विधायक चले गए हैं, लेकिन आज इस विधानसभा के प्रांगण में साहित्यकारों का, कवियों के चरण पड़े, ये पवित्र भूमि हो गई है, मैं तो यही कहूँ। बड़ी कृपा। विधानसभा का प्रांगण माता से भी, मेरी माता जी से उम्र की बड़ी 100 वर्ष की, नाम सुना था लेकिन देखने को आज पहली बार मुझे मिला। मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि आप यहाँ आए। हम तो घंटों बैठते थे इसके पास, बहुत सीखा है। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती, उनके पिताजी द्वारा, माताजी द्वारा दिए गए नाम धनपत राय जी की आज 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को रखने की बड़ी मन में तमन्ना थी, लेकिन बड़े संक्षेप में छोटा कोरोना का मामला, शर्मा जी से बात हुई, शर्मा जी ने कहा फंडिंग का तो पाबंदी लगी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल पाबंदी लगी हुई, लेकिन जितना भी संभव हो सकेगा हम करेंगे, जिस भी रूप में मना सकेंगे, लेकिन साहित्य का हाथ, हालांकि अनेकों कार्यक्रम हुए। पिछले 4 वर्ष पूर्व महावीर जयंती पर एक कवि सम्मेलन करने का भी हमको अवसर प्राप्त हुआ, दूसरा साहित्य की दृष्टि से आज ही कार्यक्रम हुआ है, लेकिन अब इसे कार्यक्रम को निरंतर हम छोटे बड़े रूप में करें। अगला कार्यक्रम विशाल रूप में करेंगे, बाहर खुले में करेंगे। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने लिखना जब आरंभ किया उससे पहले जैसा उनका जीवन व्यतीत हुआ
15 वर्ष की आयु में शादी हो गई, पहली धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, दूसरी धर्मपत्नी 1906 में उनका विवाह हुआ, वो बुद्धिजीवी थी, सुशिक्षित थी, उन्होंने भी कुछ लेखन किया मुंशी प्रेमचंद जी के साथ, और जिस ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी उभर करके आए, उन्होंने जो लिखना आरंभ किया, उनके जितने भी नावल होते थे, जितनी भी कहानियां होती थी, उपन्यास होते थे, उनमें वो गांव के जो नाम रखे जाते थे उन्हीं पात्रों को संबोधित करके लिखते थे, धनिया मंगलू जिसका जिक्र भी किया गया, इस ढंग के नामों से उनके चरित्र जब चले उपन्यासों में, आम आदमी को लगा कि आम आदमी की बात हो, और अपने साहित्य में उन्होंने आम आदमी की बात उठाई। उनका पहला प्रकाशन जो हुआ था सोजे वतन के नाम से, अंग्रेजी शासन था उस वक्त, उस पर पाबंदी लग गई, ये कह के पाबंदी लग गई कि इसमें तो देशप्रस्ती है, देशभक्ति, और अंग्रेज कहां सहन करने वाले, तो ये कहा गया जितनी भी सोजे वतन पुस्तकें लिखी गई हैं वापस करनी पड़ेगी। उस वक्त मुंशी प्रेमचंद जी का नाम मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से साहित्य नहीं था, उनका नाम उस वक्त जो है नवाब राय के नाम से वो प्रसिद्ध थे, उसी के नाम से उनका साहित्य चलता था। फिर विचार हुआ नवाब राय जी के नाम से अब पाबंदी लग गई है, नहीं लिखेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, तो किसी ने उनको मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखने की सलाह दी, और मुंशी प्रेमचंद जी आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में साहित्य के क्षेत्र में जब नाम ना लिया जाए तो अधूरा रहे। उनके कई नावल इतने प्रसिद्ध हुए, आज भी पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं, जब बीए का छात्र था, गोदान, बड़े घर की बेटी, सेवा सदन, ये इस ढंग के नावल पढ़ने की, कहानियां पढ़ने की, बड़े घर की बेटी, यानी ये मैंने गीत लिखे उसमें, उनकी अनेक नावल पर फिल्में बन गई, 1931 में पहली थी, उनका जिक्र करेंगे तो विषय लंबा हो जाएगा, और अभी भी 1919 में, 2019 उनके नावल पर फिर फिल्म बन गई। 1931 से बनना आरंभ हुआ, जिनको स्वर्गवास हुए इतने वर्ष हो, फिर उनके नावल पर आज फिल्म बन रही है, कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो। शर्मा जी ने जैसा कहा, अनेक आलोचक थे, अनेक आलोचक आज भी रहेंगे, आप कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते, कोई चुप नहीं होता, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दुरुस्त और ठीक बात कही। अभी आनंद जी जो बात कह रहे थे, संतोष आनंद जी, मैं टिप्पणी के साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मैथिली चंद गुप्त जी का खंड काव्य हमारे, जब मैं ग्रेजुएशन में था, नहुष खंड काव्य उनका लगा, नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया, और नहुष का पतन भी हुआ, उस पर लंबी कहानी हम साहित्यकार से जानते, लेकिन नहुष जो बात कहता है कि मैंने प्रयास से स्वर्ग प्राप्त किया था, मैं मनुष्य था, स्वर्ग प्राप्त किया था, कोई बात नहीं, मेरा पतन हो रहा, मैं अपवर्ग भी प्राप्त करके दिखा। साहित्यकार यही तो पैदा करता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, को पढ़ते हुए एक लाइन उनके मन में रहती हमेशा, कि मैं देवी देवताओं पर नहीं लिखूंगा, मैं केवल मनुष्य को देवता बनाने के लिए लिखूंगा, और कमोबेश यही काम मनुष्य को देवता बनाने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। हर वक्त वो इसी सोच में रहते थे, किस ढंग से वो इतना निकालते थे, लिखते थे, ये शोध का, रिसर्च का विषय हो सकता है, और किया भी है बहुत लोगों ने, रिसर्च पीएचडी भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाते वक्त मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। इस विधानसभा में मेरे कार्यकाल में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा
कि विधानसभा के प्रांगण में मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती हम मनाई गई। मैं बार पुनः सभी साहित्यकारों के कवियों को हमारे आग्रह पर यहाँ मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सुरेंद्र जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ, नमस्कार भी व्यक्त करता हूँ उनको कि उन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने में अपना योगदान दिया। मैंने जब आनंद जी का नाम पढ़ा कि आनंद जी आ रहे हैं तो मैंने अपने शक्ति से कहा अगर आनंद जी आ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, एक काव्य जगत का स्थान यहाँ पहुंच रहा है। मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से अगले वर्ष 141वीं जयंती हम महावर्तन में बड़े धूमधाम से, ऊपर ये कोरोना का मास्क नहीं होगा और खुले में मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साहित्यकार हैं, चलने फिरने में मुश्किल है, लेकिन उन लोगों ने इस कोरोना काल में भी यहाँ पर आकर हम लोगों को धन्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद।